जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आपका अगर कोई रेस्टोरेंट है या आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए क्या क्या लाइसेंस की आवश्यकता होती है, वो लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, वो लाइसेंस आपको कितने दिन या कितने समय में आपको प्राप्त होगी और उसका प्राइस क्या रहेगा, डिटेल्स में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो है, आपको रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका जो पहला लाइसेंस है सर, FSSAI का फूड लाइसेंस। तो ये क्या है, FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आप FSSAI लोगो देखे होंगे बहुत सारा जगह पे, उसको फूड लाइसेंस भी बोला जाता है। ये लाइसेंस आपको पहला लगेगी और ये लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगी, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आपका खुद का ज़मीन पे आपका रेस्टोरेंट है तो जो उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट या जो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल लगेगा, अगर आपका रेस्टोरेंट अगर रेंटल ज़मीन पे है तो रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता होगी। और ये जो है 1 साल मिनिमम, 5 साल मैक्सिमम अप्लाई होता है और इसका प्राइस साल के हिसाब से अलग अलग प्राइस होता है। और ये जो लाइसेंस आपको 7 से लेकर 10 डेज के अंदर आपको प्राप्त होगी। अभी हम चलते हैं सेकेंड लाइसेंस के बारे में। सेकेंड लाइसेंस जो है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो आपको एक बार अप्लाई करने से आपको मिल जाती है, उसका कोई रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपको लाइफ टाइम के लिए इशू होती है और ये आपको 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपको प्राप्त होती है। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो की ज़रूरत होती है। अभी हम बढ़ते हैं तीसरा लाइसेंस के बारे में। तीसरा जो लाइसेंस है गुड एंड सर्विस टैक्स, उसको GST रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ साथ, जिससे मैं आपको पहले बोला, खुद का ज़मीन है तो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल की आवश्यकता होगी, अगर रेंटल प्रॉपर्टी में है तो रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता होगी। और अभी हम चलते हैं चौथा लाइसेंस के बारे में, जिसको ट्रेड लाइसेंस बोला जाता है, कहाँ कहाँ पर उसको गुमास्ता लाइसेंस या तो शॉप एक्ट लाइसेंस भी बोलते हैं। ये जो है स्टेट के हिसाब से डॉक्यूमेंट भी अलग अलग है, प्राइस भी अलग अलग है और टाइम शेड्यूल भी अलग अलग है। तो कृपया आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका स्टेट, आपका डिटेल्स पूछेंगे, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि कितना प्राइस, कितना समय और कितना दिन में आपको ट्रेड लाइसेंस इशू होगी। तो ये जो 4 लाइसेंस है ये कंपलसरी लाइसेंस है सर। पहला जो है FSSAI फूड लाइसेंस, सेकेंड MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, तीसरा जो है GST रजिस्ट्रेशन, चौथा है सॉपेट लाइसेंस या गुमास्ता या जो ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, ये हो गया। अभी ये 4 लाइसेंस आपको लेना आवश्यकता है, लेकिन कोई अलग स्टेट है उसके स्पेसिफिक लाइसेंस भी आवश्यकता होती है। जैसे दिल्ली में आप रहते हैं तो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होगी, आप अगर राजस्थान में रहते हैं तो BRM रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, तेलंगाना पर रहते हैं तो लेबर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये कुछ अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। और उसके बाद जो ऑप्शनल लाइसेंस होता है फेयर NOC, आपको पंचायत लेवल का NOC, जो कुछ NOC की आवश्यकता भी होती है। अगर म्यूजिक लगाते हैं तो म्यूजिक लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। कोई कोई स्टेट में ये कंपलसरी होता है। अगर आप रेस्टोरेंट में अगर आप शराब सेल करना चाहते हैं तो लिकर शॉप का भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अब अगर विदाउट शराब आप करेंगे तो बाकी जो पहले में बताया 4 लाइसेंस में हो जाएगी, लेकिन अगर आप लिकर या शराब सेल करना चाहेंगे तो लिकर लाइसेंस की आवश्यकता होगी। जो लिकर का एक रिटेल लाइसेंस होता है, मतलब लिकर का भी बहुत सारा टाइप का लाइसेंस होता है, उसका जो एक टाइप है रिटेलर लिकर शॉप लाइसेंस, इसका आवश्यकता होगी। तो आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका स्टेट के हिसाब से हम आपको डॉक्यूमेंट, प्राइस और डिटेल्स में हम आपको बता देंगे। तो डर किस बात की, आपका अगर रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं या आपका अगर पहले से रेस्टोरेंट है तो हमारा टीम
का नंबर डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे है, आप हमसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और उसके साथ साथ आपका रेस्टोरेंट का अगर कोई आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन वेबसाइट बनवाना चाहते हैं वो भी हम बना देंगे। अगर आपका रेस्टोरेंट को जोमेटो स्विगी पे ऐड करना चाहते हैं वो भी हम करते हैं। आपका रेस्टोरेंट का लोगो बनवाना है वो भी हो जाएगा। जैसे गूगल माई बिजनेस पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आपका रेस्टोरेंट को वो भी हो जाएगा। और सभी चीज़ हम बनाते हैं। जैसे आपका रेस्टोरेंट का जैसे QR कोड आता है वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे पेटीएम फोनपे गूगल पे का आता है वो भी हम करते हैं। तो रेस्टोरेंट बिजनेस का ऑल इन वन सोल्यूशन है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका रेस्टोरेंट का सभी लाइसेंस सॉफ्टवेयर सभी चीज़ हम आपका कर देंगे। तो देर किस बात की, नीचे दिया गया नंबर और स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे कॉन्टैक्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।